हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज है मार्च 10 तारीख। क्या है रितु गीता आज? हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा का। अच्छा हाँ, नीतू को पता है आज हमारा स्पेशल डे है। हैप्पी मतलब एनिवर्सरी है। आज से हमारा 10 साल हो गया मैरिड किया हुआ भी। मैरिड क्या होता है? शादी। अच्छा, शादी हुआ भी 10 साल हो गया। देखते देखते टाइम भी स्पेंड हो गया। 10 साल कैसे बीत गया हमें पता ही नहीं चला। लग रहा है पिछले साल शादी हुआ है लग रहा है, लेकिन टाइम तो पता नहीं चला। 10 साल हो गया है। तो यहाँ पे नीतू ने हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आई है पैक करके। इसमें क्या कुछ नहीं है, नहीं बताए हैं तो आपको सरप्राइज मिलेगा। क्या लेके आई है? एक पापा नहीं, मुझे भी पता। एक पापा के लिए, एक मेरे लिए। तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे ये हैप्पी एनिवर्सरी भी लेके आई है। देखते कैसे सजाएगी नीतू दीदा, डेकोरेट करेगी। लेकिन अभी आज ना पेपर है मैथ का, पहले पेपर ख़त्म करना है। 1 बजे तक पेपर ख़त्म करने के बाद ही नीतू दीदा और मैं मिलके डेकोरेट करेंगे। पापा जाएंगे दुकान में आज? पापा नहीं जाएंगे, पापा कुछ काम करेंगे। मेरा हस्बैंड यहीं पे घर पे कुछ काम करेंगे और तुम और मैं दुकान चलेंगे। वहीं पे अपना काम कर लेना और उसके बाद 1 बजे आएंगे, तब हम लोग यहाँ पे डेकोरेट करेंगे। क्या क्या डेकोरेट करेंगे आपको दिखाएंगे ना। मम्मी पापा जाएंगे 2 बजे, पापा बोले। अच्छा, पापा ने बोला है 9 बजे जाने के लिए? अच्छा, मैं भी बोल पूछ लेना। पापा जाएंगे नीतू? हाँ। बोल रही पापा को जाने के लिए। हाँ, बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा पापा जाएंगे। हाँ, तो हम आराम से पेपर कर लेंगे। हाँ। घर में बैठ कर जल्दी हो जाता है। आधा टाइम तो दुकान में चला जाएगा ना, वापस सामान उठा कर रखना, दुकान खोलने से तेरे को उठाना। हाँ। तो यहाँ पे नीतू दीदा क्या लेके आई हमें दिखाएगी बाद में। तो बाद में हम डेकोरेट करेंगे। अभी मैं जा रही हूँ किचन में तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा मैं कल रात को ना मूंग मसूर और चने भिगो के रखी हूँ, साबुत मसूर साबुत मूंग, और उसी का नाश्ता बना लूँगी। पापा ने काफ़ी दिन से बोल रहे चने खाने के लिए, तो चने खाएंगे ना तो एनर्जी आएगा। चने खाना चाहिए रोज थोड़ा थोड़ा ना, कच्चा चना खाना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा मेरे हस्बैंड को कच्चा चना निकाल देती हूँ, उसके बाद मैं और चना फ्राई कर लेती हूँ। तो हम लोग फ्राई कर लेंगे। चना खाना चाहिए बाबू। घोड़ा घोड़ा चना खाता है नहीं? वो कितना मजबूत होता है। घोड़ा चना खाता है, इसलिए वो कितना सामान उठाता है। मम्मी, मेरे सबसे पहले स्कूल के बाद तब जाके मजबूत होगी ना नीतू दीदा। इतना भारी भारी बुक उठाना पड़ती है, उठाएगी। तो मैं जा रही हूँ अभी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। इसको ना मैं कल रात को भिगो के रखी थी, चना मूंग और मसूर करके, और इसको मैं अब पानी इसका फेंक दूंगी, तब मैं कढ़ाई में बना लूंगी। हेल्थ के लिए सही होता है ये चने, चने खाना चाहिए। यहाँ पे मैं चने भून रही हूँ, अब ये पकने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं इसको अच्छे से पका ले रही हूँ। स्पेशल क्या बोल रहे हो बता? अच्छा, आपने स्पेशल नाश्ता नहीं बनाया, आपको एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं मिलेगा? ऐसे थोड़ी ना होता। स्पेशल नाश्ता तो चना है, चना बना रही हो। दिन में खाना बना लेंगे, बनाएंगे या बाहर से लेके आएंगे, क्या करेंगे पता? बाहर से लेके आएंगे। आज के दिन मैं नहीं बनाऊंगी खाना, एनिवर्सरी के दिन बना खाना नहीं बनेगा, बाहर से लेके आना है और बाहर का ही खाना खाना है। आज नहीं बनाएंगे घर पे, आज मुझे भी छुट्टी मिलना चाहिए। एनिवर्सरी के दिन मुझे भी छुट्टी मिलना चाहिए। शॉप से लेके आएंगे ना, दुकान से ढाबा से लेके आएंगे, पापा लेके आएंगे। नीतू दीदा टेस्ट करके बताना इसमें मैंने चीनी डाला है नमक डाला है। पापा ने बोला चीनी डाला है, अब टेस्ट करके बताओ। मैंने तो मुझे लगा मैंने नमक डाला है। चीनी और नमक के डब्बे साथ था ना, एक साथ।
देख ना तो दीदा चीनी है नमक, पापा मुझ झूठ बोलते कभी कभार मेरे से, नमक है नमक डाला है, चीनी कहाँ से डालूंगे, चीनी तो चाय में डालते हैं। नहीं तो दीदा बोल रही है ना मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट नहीं देगी, बाहर से लेके आएंगे ना खाना, मैं आज नहीं बनाऊंगी तो खा बाहर कच्चा रोटी नहीं बनाते बाबू। यहाँ पे नीतू दीदा मैथ के पेपर कर रही है, नंबर डाल दिया, नंबर डाल दिया, एक नंबर 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 डाल दिया इधर उधर हो, फिर इधर से लेके गए तो फिर जाएगी तो फिर इधर से इस कभी कभार इसका पेपर क्या होता है यहाँ से लिखते जाएगी और फिर इधर से लिखते जाएगी, तो इसलिए हमने यहाँ पे नंबर डालने के लिए बोला है, एक दो करके नंबर डाल दिया तब जाके इसको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे अपना नाम वो लिखो, नाम लिखो, हाँ, क्लास लिखो, तो पहले पेपर को सीधा करना होगा, हाँ सीधा करो, अभी तो 9:30 हो गया है, करो। नहीं तो दीता को मैं करा रही हूँ मैथ सब्जेक्ट है आज, कल भी आ रहे हो, मैं सिखा रही हूँ बता रही हूँ, पेपर है या पढ़ाई, ऑनलाइन एग्जाम, हाँ ऐसी तो होती है ऑनलाइन एग्जाम, घर में बैठो बुक देख के लिखो। हमने ना शॉप से ये बैलून लेके आए, रिबन भी लेके आए, ये तो कल लेके आए थे ना हमने, हाँ। ये बैलून लेके आए हैं नीतू और मैं गए थे शॉप में, तो डिस्पेंसर थे ना, डिस्पेंसर डिस्पेंसर और वो लेके आए, अभी तो काफी और भी चीज लाए थे हम, ओ ग्रेस वो छोड़ देना ये देखो, तो ग्रेस भी लेके आए थे आते टाइम, मुझे तो पसंद था इसलिए मैंने बोल दिया मम्मी को, और ये हम लोग सारा सामान ये बैलून वैलून लेके आए, अब हम इसको ना फुलाएंगे, अरे इसको कोई फुलाते है, इसको हम खाएंगे, इसको फुलाते हैं इसको बैलून को, चलो हम नीतो दीता और मैं फुलाते हैं पहले, रखते हैं तो यहाँ पे डेकोरेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं वो कितना हो सकता बैलून उतना लगा देंगे, और नहीं होगा तो शॉप में ले जा कर रख देंगे, क्या करेंगे ज़्यादा बैलून लगाने से, तो मन में शांति खुशी होना चाहिए तब जाके सेलिब्रेट सही होती है, ज़्यादा बैलून वैलून सारा झमेला करने से थोड़ा मन में जब तक खुशी ना हो ना तब तक कुछ भी खुश अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम लोग सिंपल तरीके से मना रहे हैं अब एनिवर्सरी, जैसा भी है वैसा तरीके से हम मना रहे हैं, ये जीत कर कब बोला था, नहीं तो दीदा नहीं बुला पा रही, बस मैं गोल वाली बुला सकती हूँ, अच्छा गोल वाली, ये थोड़ा टाइट है ज्यादा, टाइट हवा भर रहा है ना इसलिए, हवा भर रहा मतलब इसमें हवा भर रहा है इसलिए मुंह का हवा, पहले से किसने भर के रखा था, नहीं इसमें हवा भर देंगे ना ये टाइट होती है, हाँ तुम बाप बोलो जब मैं फुलाऊंगी तब ये टाइट होता है, इसके अंदर हवा है ना इसके लिए टाइट होती है, मेरा मुंह तो बोल रहा मत फुला ये, मैं बस ये फुला, ये कैसे ये नहीं फुला पा रही, तो ये कैसे फुलेगा, तेनी तो दीदा ये कैसे फुला पाएगी, ये तो नहीं फुला पा रही, बैलून ओ ये बिल्कुल बहुत टाइट बैलून है, चलो इसको रख देते हैं, यहाँ पे इतना फुला लिया ना मैंने, हाँ ज्यादा नहीं हुआ, बहुत सारे टोट भी दिया था मम्मी ने, यहाँ पे हमने इतना बैलून फुला लिया है, अब ज्यादा तो फुला नहीं पाए ना, प्रॉब्लम हो गई थी फुला नहीं पाए, वो और भी था उसको तोड़ दिया मम्मी ने, तो इतना फुलाया हमने, नीतू दीदा सजा रही है, देखो कितना अच्छा सजा है ना रिबन से बैलून से, कितना अच्छा सजा रही है, यहाँ पे सजाने की कोशिश कर रही है, अभी भी तैयारी चल रही है सजाने की, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा रिबन लगा रही है, आज तो बहुत एक्साइटेड है नीतू दीदा, नीतू ने और नीतू के पापा मिल के ये फुलाए हैं, देखो यहाँ पे भी फुलाए हैं यहाँ पे, और बाकी हाँ मेरी हस्बैंड यहाँ पे इन्होंने फुलाया है बैलून, ये
हैप्पी एनिवर्सरी, ये सारा फैला पड़ा है, हमें अब सेट करना है। पूरा फुलाने के बाद ही हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो यहाँ पे नितोदिता इधर उधर 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 इधर उधर कर रही है। नितोदिता फुलाई नहीं, क्या बोल रहे एन देने के लिए? एन कहाँ है? ये तो पी है, या ये एन मिल गया मुझे एन। फाइनल लुक आपने देख लिया होगा, हमने थोड़ा बहुत अपने तरीके से सजा लिया है। यहाँ पे आया है केक, अब हम लोग केक कट करेंगे। नित्यू ने सजाया है ग्रेप्स डाल के ना, तो सजाया है, अब हम लोग केक कट करेंगे। और नित्यदिता ने क्या करना है? ताज बना दिया है। रुको, अच्छा ये पहन के मुझे कट करना है। वेरी गुड। अच्छा रुको 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 पकड़ना वीडियो बनाना, रुको। अच्छा ये, अच्छा नहीं तो देता भी पहनेगी। ओ टूट गया, दे दो, मैं जिस पर से चिपका दे दे, टेप कहाँ गया? उधर है। टूट गया, नहीं तो नहीं पहने थी। अबे लो एक बार फिर दे दो, मैं नित्य लेने ना मेरे लिए, देखो कल दुकान में इस टाइप की ताज मैंने आपने लिए भी बनाई है। ओ वी आर प्रिंसेस टुडे, मम्मी क्वीन, मैं मेरी प्रिंसेस नित्य देता क्वीन है। नित्य थैंक यू माय डॉटर, तो नित्य देता ने ये बना दिया है। चलो इस ये पहन के मैं कट कर लूंगी। रुको रुको, पहले पापा को बैठना चाहिए, पापा भी आपको देखना चाहिए। सबसे पहले नहीं तो खिला देती ना मेरी बेटी के लिए। ये पूरा खा लो, पापा खिला देते हैं, बहुत टेस्टी था, ग्रेप्स भी खा लेते थोड़ी। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू दीदी, मैं चाहता हूं रुको रुको रुको, हो गया, थैंक यू, वेलकम, ले लो। Happy anniversary to you, my dear wife. Thank you. नितिन ने हो गया, अब नितिन जी को भी मैं खिलाता हूँ थोड़ा सा। हाँ नितिन तक भी ले लो। अब क्यों खाए? क्यों मम्मी, ये लो, हाँ ये लो। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू बेटा, लाग दिया हमें। इसमें बताओ दूसरे में क्या है? पता नहीं, अभी बाद में बताएंगे क्या है। बताओ बताओ, इसमें मम्मी की पर्स, इसमें पापा के लिए चार चॉकलेट। सच में? हाँ। ओहो थैंक यू, वेलकम। ओपन करें? हाँ। वाओ सो नाइस, मुझे ये वाला पसंद था बहुत। मैं चार चॉकलेट थे, मम्मी को ये चाहिए था ना। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अच्छा पापा के लिए चॉकलेट, आप खाओगे सारा चॉकलेट? नहीं आपको भी देंगे ना, मम्मी को भी खाएंगे। ठीक है, पहले केक खा लेते हैं फिर ये। तो वाओ सो नाइस, नीतू ने मुझे ये गिफ्ट दिया। वाह, सिर्फ मुझे इसमें ना बाजार जाते टाइम मुझे इस टाइप के पर्स चाहिए था, सिर्फ पैसे आए थे, ओनली पैसे। वाओ सो नाइस, लव यू बेटा, लव यू, थैंक यू। अब क्या करेंगे? अब हम आप केक खाते हैं? हां मैं भी, खाना भी खाते हैं, खाना भी लेके आए हैं हमने बाहर से, वही खाते हैं। खाएंगे, खाना भूख लग गई है बहुत। अच्छा ठीक है, पहले केक खा लेते हैं। हां केक मेरे लिए चॉकलेट आया, हमारा खाना क्या क्या आया? रोटी और क्या आई है? पनीर की सब्जी, पनीर की सब्जी। नित्य दीदी खाएगी नहीं, नहीं उसका तो पेट भर गया। अब लोग हम लोग खाना खाएंगे, बाहर से लेके आए मेरा फेवरेट पनीर की
ठीक है खा लेना। और बाहर से खाना लेके आए और हमने घर में बनाया नहीं क्योंकि आज एनिवर्सरी, इसलिए बनाने का मन नहीं किया था, बाहर से लेके आए हैं। अब हम लोग खाना वाना खाएंगे। दीता खाना खाने और पेट भर गया इसका। नित्य दीता का एनिवर्सरी हमारा है, सेलिब्रेट नित्य दीता कर रही है। हाँ एनिवर्सरी हम दोनों का सेलिब्रेट नित्य दीता। मुंह में लगाई है देखो, चारों ओर फैला दिया है नित्य दीता ने। आजा पहले, अब पेट भर गया क्या? देखो पेट भर गया। अब ये खाना मत खाओ, खाना खाएगी नहीं ये। अब खाएगी, एक रोटी दे दो, एक बस एक ही रोटी दे दो। एक ही दिया। हाँ एक रोटी खाएगी। पेट भर गया, पेट भर गया, दिखा पेट भर गया। कितना सुंदर लग रहा है। अब बस थोड़ी मिनट की देर तो खाना। हाँ तो खाना खा लो, देखो आया है ना। पानी लेके आओ। नहीं तो दीदा पानी लेके आएगी। तुम लेके आओ ना। आएगी पानी लेके। हाँ देखो मैं पूरा, मेरा पूरा ही जा रही हो गए पापा देखो। हाँ मैं जा रही हूँ पानी लेने। इसी तरह से हमने एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया है, बहुत मजा आया ना नीतू दीदा। बहुत मजा आया, एंजॉय हो गया। तो घर पे मनाया है, बाहर गए नहीं तो इसलिए। बहुत मजा आया। हाँ बहुत मजा आया ना। तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यही तक था। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। बाय बाय, हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टेक केयर।